हेलो किड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टर्न है हिंदी, इंग्लिश और जीके। ओके, कौन कौन सा टर्न है आज आपका? हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हिंदी लर्न करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, उसमें रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी तक आपने हिंदी में क्या पढ़ा था? स्वर व व्यंजन। तो अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्वर व व्यंजन, तो वर्णमाला जो होती है वो आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको पता है। स्वर ए आ ई ऊ ए ओ रू अंग ओ औ अंग अहा, तो ये आपके क्या है? स्वर। और व्यंजन क ख ग घ ड़ छ झ थ ढ। तो ये इस तरीके से आपके ये हो गए तुम्हारे व्यंजन। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज दी हुई है चित्र पहचान कर पहला वर्ण लिखिए। तो वर्ण, वर्ण मीन्स क्या होता है? जो पहला अक्षर होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ऐसे अनार, तो उसमें हमारा वर्ण क्या हुआ? ए। तो ये क्या बना हुआ है बच्चों? ये क्या है? यह है हमारी छोटी ई से इमली। क्या है ये? छोटी ई से इमली। तो हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे? छोटी ई से इमली। क्या लिख देंगे हम? छोटी ई से इमली। पहले हम अच्छे से चित्र को देखेंगे, देखेंगे उसमें क्या बना हुआ है, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है? अब फिर सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या बना हुआ है ये। ये क्या है बच्चों? ये पतंग है ना? सभी बच्चे जानते हैं ना, ये पतंग है। तो हम पतंग को कैसे लिखेंगे? प पतंग, क्योंकि हमें सिर्फ चित्र को पहचान कर पहला वर्ण लिखना है। तो हमें पहला वर्ण लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? प पतंग। ओके, अब हम ऊपर देखते हैं आगे क्या बना हुआ है हमारा। त्रिशूल। फिर ये क्या है? बड़े उसे ऊन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। जिन्होंने बीन ले रखी है हाथ में और सांप को ये दिखा रहे हैं, तो ये कौन है? उन्हें सपेरे, से सपेरा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? से सपेरा। ओके, और ये क्या है रेड कलर का? ये लाल रंग का क्या है? ये लाल रंग का है टमाटर। टमाटर तो सभी बच्चे खाते हैं ना, सभी को पता है। देखिए टमाटर, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? रीड करेंगे, रीडिंग करेंगे हम उसके बाद। देखिए, छोटी से इमली, पै पतंग, इसके बाद तै त्रिशूल, बड़े उसे ऊन, सै सपेरा और टै टमाटर, ठीक है? तो आज आपने हिंदी में क्या सीखा? आज आपने हिंदी में सीखा चित्र को पहचान कर वर्ण लिखना। लिखना सबको आता है, स्वर व्यंजन सबको पता लग गए, वर्ण क्या होते हैं ये भी पता है ना? तो सभी बच्चों को ऐसे अनार से ग ज्ञ नी तक आते हैं, स्वर का भी पता है, व्यंजन का भी पता है। और अब इसमें आपको चित्रों को देखकर पहला वर्ण लिखना है। जैसे कि हम चित्र देखेंगे, सबसे पहले बहुत ध्यान से हमारा चित्र क्या बना हुआ है, हम चित्र को देखेंगे, उसके बाद हम वर्ण लिखेंगे, ठीक है? हम पहले देखेंगे चित्र को क्या बना हुआ है, उसके बाद हम बोलेंगे छोटी ई से इमली, तो फिर हम छोटी ई से इमली लिखेंगे। पहले हम मुंह से बोलेंगे, उसके बाद हम राइट करेंगे, लिखेंगे। ओके, सभी को समझ में आ गया? देखिए, छोटी ई से इमली, पतंग, त्रिशूल, बड़े उसे ऊन, सपेरा, टमाटर, ठीक है? यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है बेटा, तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
इंग्लिश। समझ में आ गया होगा हिंदी का। अब हम आगे देखते हैं इंग्लिश का, ठीक है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का दिखाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश में देखिए, हमने कहाँ तक रीडिंग की थी इंग्लिश में, पी फॉर पपाया तक, पी फॉर पपाया तक रीडिंग की थी ना। अब हम देखते हैं जो हमने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने पी फॉर पपाया तक रीडिंग की थी। अब इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे, पी फॉर पपाया के बाद क्या आता है, क्यू फॉर क्वीन आता है ना। तो अब हम नए नए वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि अब आपकी एलकेजी क्लास है तो आपको नए नए वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। इसी वजह से तो हम रीडिंग कर रहे हैं, नहीं तो आपको तो ए से लेकर जेड तक आती है ना। बट हम क्यों रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको नए नए वर्ड्स लर्न हो और आप नए नए वर्ड्स सुनो, ठीक है। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ये, क्यू, ठीक, क्यू फॉर क्वील, क्यू फॉर क्वील्ट, क्यू फॉर क्वेटर, ठीक है। फिर से देखते हैं, क्यू फॉर क्वील, क्यू फॉर क्वील्ट, क्यू फॉर क्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट आर, क्योंकि बाद क्या आता है, आर, देखिए, आर फॉर रैट, आर फॉर रॉबोट, आर फॉर रोज, ठीक है। फिर से देखिए, आर फॉर रैट, आर फॉर रोज, आर फॉर सॉरी, आर फॉर रैट, आर फॉर रोबोट, आर फॉर रोज, ओके। आप अपनी इंग्लिश की बुक निकालिएगा, उसे ओपन करिएगा, तब इस वीडियो को देखना है और फिर मेरे साथ साथ आपको रीडिंग करनी है। इसी तरह से, बिल्कुल इस तरह से, अपने हाथ में पेंसिल लेंगे, उस पेंसिल को लेके, अगर पेंसिल भी नहीं लेते हैं तो अपनी फिंगर फिंगर से आप इस तरीके से रख रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद में आर के बाद में क्या आता है, एस, ठीक है। एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्पैरो, एस फॉर स्पैरो, एस फॉर सन, ठीक है, एस फॉर सन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके बाद में, इसके बाद हमारा आता है टी, ठीक है। टी फॉर टर्टोइज, टी फॉर टर्टोइज, टी फॉर टेबल, टी फॉर टेबल, टी फॉर टॉफी, टॉफी तो सब बच्चे जानते हैं टॉफी क्या होती है ना, खाते हो ना आप लोग, तो देखिए टी फॉर टॉफी, ये तो सब बच्चों को लर्न हो जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं, देखिए, क्यू फॉर व्हील, क्यू फॉर व्हील, क्यू फॉर व्हील्ट, क्यू फॉर व्हील्ट, क्यू फॉर क्वार्टर, क्यू फॉर क्वार्टर। आप देखिए आर, आर फॉर रैट, आर फॉर रोबोट, आर फॉर रोज, आर फॉर रैट, आर फॉर रोबोट, आर फॉर रोज। अब देखिए एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्पैरो, एस फॉर स्पैरो, एस फॉर सन, ठीक है। देखिए टी फॉर टोटोइज, टी फॉर टेबल, टी फॉर टॉफी, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया टी तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टी के बाद क्या आता है बच्चों, यू, क्या आता है टी के बाद, यू। अब हम जो नेक्स्ट आपका पेज है आप उसे पलट लेंगे, ठीक है, और अब देखते हैं आगे की रीडिंग। यू फॉर एम्पायर, यू फॉर एम्पायर, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर अनटेंसिल्स, U for utensils, okay? फिर से देखिए, U for empire, U for unicorn, U for utensils, okay? Next देखते हैं, V for violent, V for violin,
वी फॉर वायलिन, वी फॉर वास, वी फॉर वॉल्चर। ओके फिर से देखिए, वी फॉर वायलिन, वी फॉर वास, वी फॉर वॉल्चर। नेक्स्ट डब्लू, वी के बाद में क्या आता है? डब्लू फॉर वॉच। तो देखेंगे हम, वी फॉर व्हील, वी फॉर व्हील, वी फॉर वाटर मिलन, वाटर मिलोन। डब्लू फॉर व्हील, डब्लू फॉर व्हील, डब्लू फॉर वाटर मिलोन, डब्लू फॉर वाटर मिलोन, डब्लू फॉर वैन, डब्लू फॉर वैन, डब्लू फॉर वैन। आपको एक ही वर्ड को दो दो बार तो रिपीट करना ही है। ओके एक्स फॉर एक्सलोफोन, एक्स फॉर एक्सलोफोन, एक्स फॉर एक्सलोफोन, एक्स फॉर एक्सरे, ठीक है, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर जीरोक्स, एक्स फॉर जीरोक्स। ठीक, अब हम इसे फिर से रीड करते हैं और बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे और फिर मेरे साथ साथ आप वर्ड को दो दो बार रिपीट करेंगे। ओके तो देखेंगे फिर से, यू फॉर एम्पायर, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर अनटेंसिल्स। ओके वी फॉर वायलिन, वी फॉर वास, वी फॉर वॉल्यूम। डब्ल्यू फॉर व्हील, डब्ल्यू फॉर वाटर मिलन, डब्ल्यू फॉर वाटर मिलन, डब्ल्यू फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वैन। एक्स फॉर एक्सलोफोन, एक्स फॉर एक्सलोफोन, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्सरे और एक्स फॉर जीरोक्स, एक्स फॉर जीरोक्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक्स के बाद में क्या आता है? वाई, वाई आता ना, वाई फॉर यार। तो देखिए, यह है हमारा वाई, वाई फॉर याक, वाई फॉर यार्न, वाई फॉर येल्लो। येल्लो कलर है ना ये, जैसे मैंगो का कलर होता है। तो देखिए फिर से, वाई फॉर याक, वाई फॉर यार्न, वाई फॉर येल्लो, वाई फॉर याक, वाई फॉर यार्न, वाई फॉर येल्लो। अब नेक्स्ट देखिए जेड, ये क्या है? जेड, जेड फॉर जिग जैग, जेड फॉर जिग जैग, जेड फॉर जू, जेड फॉर जिप। फिर से देखिए, जेड फॉर जिग जैग, जेड फॉर जू, जेड फॉर जिप। सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्टिविटी कराएंगे, ओके बट पहले आपको ए से लेकर जेड तक रीडिंग करनी होगी, अच्छे से दो दो बार एक एक वर्ड को रिपीट करना होगा, घर में आपको सबको सुनाना होगा। ठीक है, तो हम फिर से एक बार वो रीडिंग करें। चलिए देखिए एक बार वो, आर फॉर रैट, आर फॉर रोबोट, आर फॉर रोज। यहां से देखते हैं, क्यू फॉर क्वील, क्यू फॉर क्वील्ट, क्यू फॉर क्वार्टर। आर फॉर रैट, आर फॉर रोबोट, आर फॉर रोज। ठीक है, एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्पैरो, एस फॉर सन। टी फॉर टर्टोइस, टी फॉर टेबल, टी फॉर टॉफी। नेक्स्ट, यू फॉर एम्पायर, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर अनटेंसिल्स। वी फॉर वायलिन, वी फॉर वास, वी फॉर वॉल्चर। W for wheel, W for watermelon, W for van. X for xylophone, X for X-ray, X for Xerox. Next, Y for yak, Y for yarn, Y for yellow. Z for zigzag, Z for zoo, Z for zip. सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा? इसी तरह से आपको रीडिंग करना है टू टाइम्स, ओके,
एक ही वर्ड को आपको दो दो बार रिपीट करना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या आता है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, जीके, ठीक है। पहले आपने कन्वर्सेशन किया था, कन्वर्सेशन में आपने क्या किया था, कन्वर्सेशन में आपने एनिमल्स नेम सीखे थे कि वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं, पेट एनिमल क्या होते हैं, वाटर एनिमल क्या होते हैं, ये सीखे थे, है ना। तो आज हम आपको कराएंगे जीके, ठीक है। जीके में आज हम आपको माई सेल्फ, ठीक, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन किस तरह से देंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं माई सेल्फ, अपने बारे में बताना, ठीक है, अपने बारे में दूसरे को बताना, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दूसरे को देना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो हम क्या बोलेंगे, हेलो माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अपना नाम लिख के दिखाती हूँ, माई नेम इज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जोया है तो जोया अपना नाम लिखेगी, चिराग है तो चिराग अपना नाम लिखेगा, क्योंकि ये बच्चे मेरे पास वर्क सेंड करते हैं, अच्छे से वर्क करके सुनाते भी हैं और सेंड भी करते हैं। अवेश ने भी कल वीडियो सेंड की थी पोएम की, बहुत अच्छी बनाई बनाई हुई थी, बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसी तरह से आपको वर्क मेरे पास सेंड भी करना है और ओरल वर्क भी सुनाना है, ठीक है, सीरियसली। तो हम देखेंगे, हम सबसे पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हम यहाँ पर अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम, जो भी आपका नाम, तो हम कैसे बोलेंगे, हेलो माई नेम इज, ओके, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इसमें एज पूछी गई है कि आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, अभी आप LKG क्लास में हैं, तो आप कितने साल के होंगे, 5 या 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 6 SIX, 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यदि कोई भी आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपको क्या बोलना है, आई एम फाइन, क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन। इसके बाद देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तो कैसे बोलेंगे, आई एम फ्रॉम मेरठ, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेरठ, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मेरठ। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मेरठ, यहां पर भी क्या आएगा, मेरठ। ऐसे भी पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव और वेयर डू यू फ्रॉम, तो इसमें आपका मेरठ ही आएगा, ठीक। इसके बाद आता है हमारा, व्हाट स्कूल डू यू गो टू, आप इस कौन से स्कूल में जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, आई गो टू राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल, ठीक है, मैं राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में जाता हूँ, तो आई गो टू
पब्लिक स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक? आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कन्वर्सेशन, जीके, तो आप राइम्स पढ़ते हैं, तो आप बताइए आपको कौन सा आपका सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंदीदा है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई लाइक जो भी आपको पसंद है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग, कुछ भी। तो वैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंग्लिश। ठीक है, आई लाइक इंग्लिश। व्हाट सब्जेक्ट डोंट लाइक? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता? कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता? तो यहाँ पर जो आपको पसंद नहीं है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। दैट्स मी, ये मेरे बारे में परिचय हुआ। तो देखिए, आप फिर से देखते हैं हम सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो अपने बारे में दूसरों को बताना, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर आपका नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आप अपना नाम बताएंगे। माय नेम इज, जैसे कि माय नेम इज जोया, माय नेम इज चिराग, माय नेम इज तन्नु, माय नेम इज भूमिका, इस तरह से, ठीक है। माय नेम इज आवेश, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल के हो। आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, ओके, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। हाउ आर यू, आई एम फाइन। हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ओके। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मेरठ। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मेरठ। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मेरठ, ओके। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मेरठ। व्हाट स्कूल डू गो टू, डू यू गो टू, ठीक है। आप कौन से स्कूल में जाते हैं। आई गो टू RPS, ठीक है। आई गो टू RPS, आई गो टू राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। व्हाट सब्जेक्ट डोंट लाइक, डोंट यू लाइक, जो सा सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है। इसमें मैंने मैथ लिख दिया है, बट आपको जो पसंद नहीं है आप वो बोल सकते हैं, ओके। आई डोंट लाइक मैथ, ठीक है। और इसमें भी जो मैंने लिखा है इंग्लिश, इसमें भी आपको इंग्लिश नहीं ज़रूरी है, जो आपको पसंद है आप वो लिख सकते हो, वो बोल सकते हो, ठीक है। आपको ये लर्न करना है, ओरल वर्क है आपका, आपको ये सुनाना है, ठीक है, लिखना नहीं है। तो इसमें आप कुछ भी लर्न कर सकते हो, ड्राइंग भी, हिंदी भी, मैथ भी, राइम्स की भी, कुछ भी, एनीथिंग। समझ में आ गया बच्चों, माई सेल्फ क्या होता है, अपने बारे में बताना, अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताना, देना सबको, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट इज योर नेम, उसमें आप अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज, ठीक। हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, ठीक है। वेयर स्कूल डू गो टू, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, व्हाट सब्जेक्ट डोंट यू लाइक, ओके। तो इनके आंसर्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है, और मुझे सुनाने हैं, चाहे तो ऑडियो क्लिप भेज देना और चाहे वीडियो। माई नेम इज, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन LKG क्लास, आई लिव इन मेरठ, आई एम फाइन, ठीक है। आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आई डोंट लाइक मैथ, आई गो टू RPS स्कूल, इस तरीके से आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है बेटा, तो आप स्कूल में आकर 12 बजे तक पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ये आपका ओरल वर्क है,
ये आपको लर्न करना है और रिपीट करना है। ओरल वर्क को जितना रिपीट करोगे उतना ही अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, थैंक यू।